नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने थर्ड फ्रंट की बात करी, जिस पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि थर्ड फ्रंट का भविष्य हम लोगों ने 989 से देखा है, जब वीपी सिंह ने सरकार बनाई थी। भ्रष्टाचार के खिलाफ तब कई दलों को जोड़कर तीसरा मोर्चा बनाया था। तीसरे मोर्चे की सरकार 3 महीना 6 महीना से ज्यादा नहीं चल पाई थी। ब्रजेश पाठक ने कहा कि एचडी देवगौड़ा गुजराल जी ने भी तीसरा मोर्चा बनाया था, लेकिन तीसरे मोर्चा की बात वहीं समाप्त हो गई। क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। ब्रजेश पाठक ने सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में सपा की अराजकता गुंडई थी, उनकी सरकार में बहु बेटी की इज्जत आबरू को खतरा था, खेत दुकान को लूटना, एक परिवार को आगे बढ़ाना प्रदेश की जनता ने अपनी आंखों से देखा है। आज जनता ऐसी पार्टी के साथ है जो सर्वस्पर्शी है। 70 सालों में कोई गरीब आदमी को पक्का मकान नहीं दे पाया। इसी बुंदेलखंड में सपा के शासन काल में ट्रेन से पानी आता था। आज हमारी सरकार में घर घर शुद्ध जल मिल रहा है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर बीमारियां पीने के पानी से होती है। हमने उस समस्या को दूर किया। हमारी सरकार ने मुफ्त इलाज, शौचालय दिया। बीजेपी सरकार में गरीब आदमी के जीवन में बदलाव का काम हुआ है। डिप्टी सीएम ने दावा किया कि 2024 में यूपी की सभी सीटों पर बीजेपी जीतेगी, इतिहास बनेगा। तीसरी बार पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। वहीं ओबीसी आरक्षण को लेकर मायावती के बयान पर पलटवार करते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए कोई तो बोलेगा। जब आजादी की लड़ाई हुई, देश का बंटवारा हुआ, उस समय सब लोग इकट्ठा थे। किस ढंग से क्या नहीं हुआ, कत्लेआम हुआ, बॉर्डर पर लाशें लेकर ट्रेनें आती थी, तलवार से लोगों के सिर काटे जा रहे थे, उस समय कौन खड़ा था? ये लोग सिर्फ वोट के लिए बयानबाजी करते हैं। हम तो उनके यहाँ भी जा रहे हैं जिनका हक मारा गया। 3 तलाक कानून पास हुआ तो किसके लिए? आधी आबादी के लिए, मुस्लिम समाज के लिए। ये पीएम मोदी ने किया, किसी और ने नहीं किया। वहीं उन्होंने सपा पर कहा कि सपा तो आरक्षण के मुद्दों पर ना ही बोले। सपा के लोगों ने रिजर्वेशन के बिल की प्रंतियां फाड़ी थी, चाहे महिला रिजर्वेशन हो या एससी एसटी का आरक्षण। ये मेरी आंखों के सामने की बात है। यहाँ सब रंगे सियार हैं, इनका राजनीति में कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ अपना पेट भरने के लिए राजनीति में आए हैं। ब्रजेश पाठक का कहना है कि कोरोना काल आया तो मुसीबत में हम खड़े थे, गरीब का चूल्हा नहीं बंद होने दिया, उसे राशन दिया गया। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर डिप्टी सीएम ने कहा कि कांग्रेस का कोई मतलब ही नहीं है। 37 सालों के बाद उत्तर प्रदेश में कोई सरकार रिपीट हुई है। 2022 हमारे लिए मील का पत्थर साबित हुआ है। 2022 में सभी विपक्षी दलों ने संयुक्त रूप से एक मुहिम चलाई जिसे जनता ने नकार दिया। दोबारा हमने सीएम योगी के नेतृत्व में कमल चुनाव चिन्ह पर सरकार बनाई। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।